हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। सो जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जेई मेन के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट एटलीस्ट कल या परसों से आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग फॉर्म फिल कैसे करोगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहला जो इश्यू है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जनरल से फिल कर देंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है, राइट। सो अगर आप 98% लेके आते हो जनरल के अंदर, ठीक है, या 90 मान लो, अगर आप जनरल कैटेगरी में अगर 90% लाते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिले या ना मिले। लेकिन अगर आप SC कैटेगरी या फिर ST कैटेगरी के अंदर अगर 65% ले आते हो तो गारंटी देता हूँ सीट मिलने की। समझ रहे हो, मतलब SC कैटेगरी का कितना फर्क ऑफ है। अगर आप 90% लाते हो ना जनरल कैटेगरी में, तो कोई गारंटी नहीं है कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ये इसकी मैं फुल गारंटी देता हूँ कि अगर आपके 65% आ गए SC या ST कैटेगरी के अंदर, आपको 100% सीट मिल जाएगी। ओके, सो सर्टिफिकेट के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपने हर कहीं से किसी से भी सर्टिफिकेट बनवाया और उससे आपको सीट मिल जाएगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सो आपका जो सर्टिफिकेट है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। स्पेशली ध्यान रखिए, जो बच्चे बिहार से या फिर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जो कि अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसीलदार से जाके बनवा लेते हैं सर्टिफिकेट, दिस इज नॉट वैलिड इन दिस जेई मेन एग्जामिनेशन। आपको अगर जेई मेन के अंदर अगर कास्ट वाइज अगर सीट चाहिए, यानी कि OBC कैटेगरी से हो या SC से हो या ST से हो या फिर जनरल EWS से हो, तो आपका सर्टिफिकेट तभी वैलिड है जब आप जो है सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट से बनवाते हो तो। और यह भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 5 साल पहले सर्टिफिकेट बनवाया था वो वैलिड हो जाएगा, वो भी नहीं है। एटलीस्ट वहाँ पे कुछ लिमिट दी होती है, जैसे कि अप्रैल 2021 या फिर 4 महीने तक होती है, आई थिंक 4 महीने की लिमिट होती है। तो मतलब आपने सभी ने देखा होगा यार, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारा का सारा अंधा है, सोए हुए पड़े रहते हैं। इन बेशर्मों को कौन समझाए कि सर्टिफिकेट हमेशा चेंज होता है क्या? कास्ट हमको चेंज थोड़ा ना करते हो, बार बार 4 महीने बाद क्यों सर्टिफिकेट बनवाते हो हमसे? आधार कार्ड की तरह एक बार बनवा लो ना, राइट। जो जो आपको क्या करना है, आपका जो सर्टिफिकेट है वो एटलीस्ट 4 से 5 महीने ही पुराना होना चाहिए। कभी कभी तो कोई कोई एग्जाम जो है 3 महीने भी देता है। यहाँ पे जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है आपको अपडेट किया जाएगा। जेई मेन की वेबसाइट वैसे ऑलमोस्ट अपडेट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन का इंतजार है अभी। ओके, फिर अपन बात करते हैं आपको और क्या क्या चाहिए। आपके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली आपके 12th की जो एग्जाम हुई है उसका एडमिट कार्ड चाहिए। ओके, देन आपका एक सुंदर सा फोटो होना चाहिए। एंड आपके आधार कार्ड के अंदर भी ट्राई करना कि आपका सब कुछ अपडेट हो, फोटो जैसे हो वैसा ही दिख रहा हो। ओके, और आपके जो है फिंगरप्रिंट वगैरह अपडेट होने चाहिए। आपके पास एक छोटा सा सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास, अच्छा सा, जो भी आपको लास्ट तक वही वही सिग्नेचर करना है। ओके, और जो है आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, एटलीस्ट 1-2 महीने पुराना होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप जो है चश्मा वगैरह यूज़ करते हो तो आप उसको जो हटा के फ़ोटो खिंचवाई, और फ़ोटो कैसे लगानी है वो अच्छी फ़ोटो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी वहाँ पर गाइडलाइन दी होनी चाहिए कि पीछे का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ब्लैक वाइट, ऐसे भी बहुत सारा इश्यू होता रहता है वहाँ पे। सो फोटो की वजह से तो कभी कभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट होता है, तो आपके साथ ऐसा ना हो बिल्कुल भी, तो आप इसका बिल्कुल प्रॉपरली ध्यान रखें, ठीक है। और यार कास्ट सर्टिफिकेट वाला तो आप लोग स्पेशली ही ध्यान रखें, और देखते हैं यार जेई मेन का 75% क्राइटेरिया स्पेशली वैसे हट जाना चाहिए इस बार, तो कंफर्म तो तभी मान सकते हैं जब NTA के ऊपर गाइडलाइन जो है डाली जाए NTA के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक एक जो है आपके पास जो रेसिस्टेंस सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज क्योंकि जो है कुछ सीटें जो है आपको जो है रेसिस्टेंस तौर पे स्पेशली जो है कम रैंक पे भी मिल जाती है। जैसे NITs की अगर मैं बात करूँ तो IAS सिपुर जो है वेस्ट बंगाल बच्चों के लिए होम स्टेट और फिर अदर स्टेट वगैरह के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा जोसा और CSAB की वेबसाइट पर आप देख लेना। तो होम स्टेट के लिए अलग रैंक होती है और अदर स्टेट के लिए अलग रैंक होती है। तो आप जिस स्टेट से हो, अगर आपके स्टेट में कोई अच्छी IIIT NIT या फिर IIT है तो आप उसका जो है सिक्योरली ध्यान रखें, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए और फोड़ो तो यार जेई मेन को, ठीक है, आ जाओ IITs एंड खड़गपुर, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अपने छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए। थैंक यू, बाय बाय।